तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की क्षण आपको बताने वाले हम छत्तीसगढ़ यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से जो साइकिल योजना चल रही है उसके बारे में। साइकिल यहाँ पर जो योजना का नाम है वो मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना का इसका नाम योजना का नाम है, जो कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो जो श्रमिकों को यहाँ पर किनको मिलेगा, श्रमिक जो शीघ्र आगे बताने वाले हैं। उससे पहले आपको बताते चले, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि इसी अपडेट यहाँ पर आपको चैनल पर यहाँ पर मिलते रहेंगे। साथ ही अगर दूसरे स्टेट से देख रहे हो तो दूसरे स्टेट से भी यहाँ पर अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ से मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट सीजी लेबर के जो ऑफिशियल जो छत्तीसगढ़ के इसका श्रमिकों का यहाँ पर श्रम शासन श्रम विभाग के जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर मैं उसमें आप जो कहूँ देख सकते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की इंस्यू शॉर्ट नहीं है। ये इसका ऑफिशियली वेबसाइट है, आप भी चाहो तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जांच भी सकते हो। तो इस तरह से इसको ऑफिशियल वेबसाइट में बात आए हैं तो बात करें तो इस योजना के बारे में इसको बताने वाले हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आपको बता देता हूँ, तो यहाँ से मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद जैसे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं कई सारी योजनाएं चल रही है, सारी योजना के बारे में हम बताएंगे। कुछ यहाँ पर योजना के बारे में बता चुके हैं, जो कि पहले से चैनल पर वीडियो नहीं देखे तो जाकर आप देख लेना। जैसे मैं देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 2010 से चली आ रही है अभी तक योजना, यहाँ पर वर्तमान में आवेदन करें, वर्तमान में योजना चल भी रही है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना जो छत्तीसगढ़ की ये योजना है जो हम पर देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इस योजना के, यहाँ पर 18 से यहाँ पर 35 वर्ष की आयु के समूह, यहाँ पर समूह की पंजीकृत आपके यहाँ पर पंजीकृत महिलाओं के हितग्राह मतलब महिलाओं के जो पति हैं उनको यहाँ पर हितग्राह उनको यहाँ पर 18 से 35 वर्ष की महिला है उनकी यहाँ पर हितग्राह के पति का यहाँ पर उम्र यहाँ पर हाँ दिया गया है, उनका यहाँ पर उम्र है यहाँ पर देख सकते हैं जस्ट उसके नीचे में 18 से 50 वर्ष की आयु के पंजीकृत पुरुष को यहाँ पर श्रमिक जो है उनको यहाँ पर दिया जाएगा, जो साइकिल योजना है कुछ वो उनको ही इस योजना का लाभ जो है दिया जाएगा। नोनी अगर सशक्तिकरण योजना को नहीं देखें तो आप चैनल पर पहले ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, वहाँ से आप देख कर देख सकते हैं। यहाँ पर एक नंबर साइकिल निःशुल्क अथवा यहाँ पर साइकिल हेतु निर्धारित यहाँ पर आप अगर आपको यहाँ पर साइकिल भी दिया जा सकता है, पूरी जानकारी यहाँ पर देखिए वर है वहाँ पर आप जाकर देख भी सकते हैं। वर्तमान में योजना चल रही है यहाँ पर आपको साइकिल भी दिया जा सकता है या फिर आपको साइकिल जो राशि है उसमें साइकिल का जो राशि है वो भी दिया जा सकता है। तो इसमें आवेदन पर एक और क्लिक करता हूँ, यहाँ पर योजना से संबंधित स्व घोषणा पत्र यहाँ पर प्रारूप यहाँ पर डाउनलोड भी लिखा हुआ है, यहाँ से पत्र जो है आवेदन पत्र भी डाउनलोड कर सकते हो, इंसुलेट निकलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो जिला है आवेदन करोगे तो यहाँ पर जिला है सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद जो पंजीकृत क्रमांक है उसको आपको डाल लेना। अगर आपसे आवेदन नहीं होता तो आप किसी ऑनलाइन सेंटर से आवेदन कर सकते हो या फिर किसी लोक सेवा या फिर ऑनलाइन सेंटर से आवेदन कर सकते हो। ये किसी प्रकार के स्क्रीनशॉट नहीं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अपडेट होके आ चुका है जो छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर कई सारी योजनाएं चलती है तो अपडेट्स यहाँ पर आपके पास नहीं पहुँच पाता, यहाँ पर योजनाएँ जो है पहले की योजनाएँ अभी का योजना नहीं है, बाकी यहाँ पर पहले से जो योजनाएँ हैं वो चली आ रही है अभी तक। अगर आप भी यहाँ पर श्रमिक हैं या हितग्राह हैं उनको यहाँ पर जिसका उम्र है 18 से 55 वर्ष के बीच में आपको यहाँ पर जो साइकिल है वो मिलेगा या फिर साइकिल का जो निर्धारित राशि है वो आपको दिया जाएगा। यहाँ पर अपडेट भी हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं जो नए सीएम हैं उनका यहाँ पर फोटो भी आप देख सकते हैं, जो मुख्यमंत्री हमारे हैं और साथ ही अपन मुख्यमंत्री के जो यहाँ पर विभागीय मंत्री हैं लखन लाल यहाँ पर देख सकते होंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाकर पूरी जानकारी आप चाहो तो यहाँ पर आप जैसे cglabor.nic.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है यहीं से आप आवेदन कर सकते हो। अपन आवेदन नहीं करना चाहते तो किसी ऑनलाइन सेंटर में जाकर आप आवेदन करना, किसी प्रकार का त्रुटि मत करना, नहीं तो आपका फॉर्म निरस्त हो सकता है।